कार्यालय बनाइए। अच्छा एक बात बताइए परमिंदर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, आप अभी तक लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं 45 करोड़। चलिए आप 30 बोल रहे हैं, मैं 45 बोल रहा हूँ, जांच होगी कभी सामने आ जाएगा सर जो भी है। 45 करोड़ रुपए को परविंदर जी, एक मिनट चंद्रशेखर जी, मेरा एक सवाल परविंदर जी से, आप 45 करोड़ के खर्चे को लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने छत गिरने का एक कहानी सुनाकर कहा कि कमजोर हो गया था इसलिए बनाना था, हजम नहीं हो रही, चलिए फिर भी मान लेते हैं। आपने मार्बल बता दिया कि वियतनाम का मार्बल इसलिए जरूरी था, चलो मान लेते हैं। ये 8 लाख के पर्दे की कहानी क्या है, इसके पीछे क्या छुपाना था केजरीवाल जी को? फिल्म बनाई हुई है, आप जाके देखा आपने वहाँ पर्दे लगे? सर मुझे तो जाने देंगे तो देख लूंगा। अरे सर क्या मुझे जाने की परमिशन है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कागज में 8 लाख का बिल है लेकिन पर्दा 8 लाख का नहीं है, मतलब बड़ा होटल हुआ है तो कागज में 8 लाख लिखा है पर्दे की कीमत और आप कह रहे हैं कि 8 लाख का पर्दा नहीं लगा, मतलब करप्शन हो गया। कहा पर्दा लगा है या नहीं लगा ये आपको किस तरह लगा? मतलब और बड़ा करप्शन हो गया, मतलब पर्दे की कीमत लिखी हुई है, पर्दा ही नहीं लगा हुआ। मीडिया ने अरे बाप, ये तो बड़ा और ज्यादा बड़ा करप्शन हो गया। ऋषि जी बोलना चाहिए, ऋषि जी बोलिए और सभी से ऋषि जी को अपनी बात रखने दीजिए। प्रखर जी सेठी साहब को बताना चाहता हूँ, कल हमारे मित्र पत्रकार राकेश जी जो टाइम्स ऑफ भारत में है वो गए, उनके साथ मारपीट किया गया। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का अप्रोच ऐसा होगा यदि वो बंगला देखना चाहते हैं, कोई पत्रकार बंगला देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री तो आम जनता के लिए चाहते हैं पत्रकार तो न्यूट्रल होता है, पत्रकार सरकार से देश के चर्चित पत्रकार राकेश जी के साथ मारपीट हुआ है, ऋषि जी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऋषि जी सेठी जी बोल रहे हैं कि परमिशन लेके जाइए घर में, ठीक है। अंशु प्रकाश चीफ सेक्रेटरी को आपने रात को बुलाया था अपने घर में, वहीं पे पीटा था। आप बताइए ना, कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, वही बात कर रहे हैं, अंशु प्रकाश को पीटा था। कौन पीटता है किसी को, कमाल की बात कर रहे हैं आप। देखिए आप तथ्य के ऊपर घर में बुला के आप अपने 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 मुख्यमंत्री आपका मुख्यमंत्री प्लेन खर्च नहीं सकता उसकी, हम क्या घर क्षेत्र में घर में आप तो कह रहे हैं घर में ही जा रहे हैं आप जो तीनों बजे बुलाते हैं क्रेश में मारे गए 12 बजे बुलाते हैं और उन्होंने चलने वाले जिस सोफे पे दो लोग बैठ सकते हैं उनके उसमें बैठे दो विधायक आके बैठ गए बगल में उनके, उन्होंने उनके साथ क्या क्या दुनिया को पता है। अंशु प्रकाश जी ने बयान आपको जानकारी है, आपको जानकारी है कि कौन सा पर्दा लगा है, कौन सा मार्बल लगा है? प्रमोद जी को जानकारी नहीं है, ये तो कैसी बात हुई? फ्रेम करने के लिए आप कुछ भी कर दिए, आपके सरकार है, आप जांच कीजिए, अगर कोई घोटाला हुआ तो आप 2024 स्क्रिप्ट लेकर चल रहे हैं। सेठी जी ये जांच की बात जो है शराब घोटाले के पहले भी कही थी और ये जांच की बात आप कई बार कह चुके हैं और कितने मंत्री जेल में आपको भी मालूम है। तो बार बार आप बार बार चैलेंज करेंगे, देखिए ऐसा ना हो, उनके उन्होंने कोर्ट के अंदर बोला हमारे से जबरदस्ती हमारे ऊपर थर्ड डिग्री करके हमारे से बयान लगवाए गए। आप इतने बार बार चैलेंज मत कीजिए सरकार को, कहीं इस पे भी जांच ना बैठ जाए, मुसीबत और बढ़ जाएगी। सेठी जी मुसीबत मत बढ़ाइए। अरे सर कोई मुसीबत नहीं बढ़ती, ये स्क्रिप्ट 2024 की है, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। आपको दिल्ली की जनता ने नकार दिया, नकार दिया।